हम तो कह रहे हैं अल्लाह पाक योगी जी फिर आए, मुख्यमंत्री बने, योगी जी फिर आए, नहीं मुख्यमंत्री सुनिए, अगर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए उनके लिए दो नफिल पढ़ेंगे शुक्राने का, अगर उनकी गवर्नमेंट आती है बीजेपी की जो हमारी शिकायत है वो दूर कर दे तो हम अगले 50 साल तक योगी जी को ही रखेंगे। क्या मंदिर मस्जिद ही हमारा एजेंडा रहेगा? क्या स्कूल कॉलेज और हमारे हॉस्पिटल एजेंडा नहीं है? लाइन ऑर्डर वेरी बैड, वेरी बैड लाइन ऑर्डर। अरे पोस्टर, मैं अपना पोस्टर लगवा के बता दूं शाहरुख खान तो शाहरुख खान बन जाऊंगा। सारे गुंडे मवाली जेल में है या ऊपर है? गुंडे मवाली तो सब उसमें बीजेपी में भरे हुए, अभी कौन सा। योगी जी से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि गाय प्लीज हटा दिए, गांव के लिए कुछ भी मनवाइए, अपने घर में रख लो गाय। अरे कब 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 वो टाइम दिन बताओ भैया, क्या बोले सारी सड़कें। अगली बार किसकी सरकार है? अगली बार किसकी सरकार? अगली बार 2022 में किसकी सरकार? अगली बार किसी भी सरकार हो, ये लखनऊ चेंज कर दो सड़कें और ये जानवर हटा दो, जिसकी भी सरकार आए। योगी जी से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि गाय प्लीज हटा दिए, गांव के लिए कुछ भी मनवाइए, अपने घर में रख लो गाय। अरे कब 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 वो टाइम दिन बताओ है? बहुत जल्दी बनने वाली, बहुत जल्दी कब? अरे कहने जहाँ आप रहे तो वहीं रख लो, इतना शौक है गायों को तो कहना। योगी जी से कहना और क्या शिकायत है आपकी योगी जी से? और कहना लखनऊ लखनऊ क्लीन करवा दिए जो इतना गंदा हो रहा है, कहना हम नंबर वन है लखनऊ तो, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। जी नहीं मैं नहीं मुस्कुराऊंगी, मुझे तो बहुत गंदा लगता है जिधर से गुजरती हूँ उधर से गंदी गंदी। दिल्ली में सोचा बोर्ड लगे हुए यूपी नंबर वन, मुस्कुराइए आप लखनऊ में स्वच्छता में नंबर वन, अभी स्वच्छता में नंबर वन। वो दूसरे शहरों के लिए है, यूपी के लिए लखनऊ के लिए झूठ है वो, बिल्कुल नंबर वन। नहीं नहीं बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। और क्या उपेक्षा कर दिया लाइन ऑर्डर नंबर वन? लाइन ऑर्डर वेरी बैड, कैसे वेरी बैड लाइन ऑर्डर। सारे गुंडे मवाली जेल में है या ऊपर है? गुंडे मवाली तो सब उसमें बीजेपी में भरे हुए, अभी कौन सा। सारे क्या कहते हैं, अभी कौन से आपके स्वामी हैं? उन्होंने ये अभी कहा है कि 2 अक्टूबर तक मैं जल समाधि ले लूंगा अगर मुसलमानों को राष्ट्रीय देना खत्म नहीं करा ईसाइयों का। अरे भाई कह रहे ले भी तो ले, झूठे तू जल समाधि ले भी तो झूठे। मेरा कहना मतलब योगी जी कह रहे जी। आप लोगों के लिए बहुत कुछ दिया उन्होंने तो। नहीं दिया है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, योगी जी ने दिया है, लेकिन जो जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल, इस साल अगर उनकी गवर्नमेंट आए हम तो कह रहे हैं अल्लाह पाक योगी जी फिर आए, मुख्यमंत्री बने, योगी जी फिर आए। नहीं मुख्यमंत्री सुनिए, अगर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए उनके लिए दो नफिल पढ़ेंगे शुक्राने का, अगर उनकी गवर्नमेंट आती है बीजेपी की जो हमारी शिकायत है वो दूर कर दे तो हम अगले 50 साल तक योगी जी को ही रखेंगे। 50 साल तक योगी जी रहेंगे वैसे बोलिए। सुनिए, हमारी शिकायतें दूर हो जाए, जो पाप हो पहले जो पाप क्या गंदगी साफ हो जाए, गंदगी छोड़िए लाइन ऑर्डर और बाकी सारी चीज। आप जो बार बार बोल रहे हो ना कि दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, मैं परसों दिल्ली से आया हूँ, 22 दिन दिल्ली से था, सिवाय मेट्रो स्टेशन के कहीं नहीं लगाए, सिवाय सब जगह गया हूँ मैं, भैया सिर्फ 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 मेट्रो स्टेशन पर लगा है और वहाँ पे पूछते कौन है, वहाँ पे पूछते कौन है, ये तो मोदी है ये कौन है सर। जब उनको बताया कि ये योगी जी हैं यूपी वाले, तो कोई भाई वहाँ विकास करते वहाँ लगाते, यहाँ क्यों लगा दिए भाई, यही मैं पूछ रहा हूँ, यूपी में दिल्ली वाले वोट देने आएंगे। हमने उनका कहा भैया वो वहाँ इसलिए लगाया ना, वो विकास ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया पगला गया है, अब वो यहाँ आ गया दिल्ली में। राकेश टिकैत ने कहा था विकास का डूबे निकल गया, राकेश टिकैत कहते हैं उनका प्रमोशन होना चाहिए, इनका किसका भाई, योगी जी का प्रमोशन नहीं हुआ क्या? कैसे प्रमोशन, ये प्रमोशन है? अरे आगे जाएंगे भाई, जब पब्लिक पूछ रही है कि ये कौन है तो प्रमोशन कहाँ से हो गया? ये किसने कहाँ से नंबर वन है साहब, बताइए आप बता दिए नंबर वन है कहाँ से, बता दिए पोस्टर। अरे पोस्टर, मैं अपना पोस्टर लगवा के बता दूँ शाहरुख खान तो शाहरुख खान बन जाऊंगा, बताइए आप। अच्छा कोई डेटा है आपके पास, मतलब कोई भी वेबसाइट हो, ऑफिशियल वेबसाइट हो, जिसपे वहाँ पे लिखा हो कि ये योगी जी की गवर्नमेंट नंबर वन गवर्नमेंट है, जब तक टीचर्स की भर्ती की निष्पक्ष हुई, पुलिस की भर्ती की निष्पक्ष हुई, जितनी भर्तियाँ की इन्होंने कोई मतलब विवाद नहीं हुआ आज तक, भर्ती की कोई विवाद नहीं। टाइम में आपको बताइए कितने विवाद हुए थे? विवाद हुए थे, आप ये बताइए आपके यहाँ से किसी को नौकरी मिली?
हमारे गांव में दो तीन लड़के पुलिस में लग गए यार। दो तीन लड़के भरे कितने थे? छोटा सा गांव है हमारा। भरे कितने थे? पांच ही लोग होंगे फिर तो। पांच लोग हैं, तीन लोग लग गए बस। बहुत बड़ी बात होती है, हो गया फिर भाई। आपका गांव पांच लोग हैं भाई, हम लोग तो इतने सारे लोग हैं। आप परसेंटेज भाई, हमारे तो महिला छोड़ी है, हमारे तो पूरे इलाके में कोई नहीं लगा। तो कहां से मान लिया? मैं बता रहा हूं कहां से। चार लोगों में उन्होंने कहा, देखिए उनके हर मेट्रो पे लिखा हुआ है नंबर वन प्रदेश, इतनी नौकरियां, फ्री वैक्सीन, ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो नौकरियां का तो जब नौकरियां है, जब इतनी नौकरियां है तो बेरोजगार जो है वो धरने क्यों दे रहे हैं? कहाँ नहीं दे रहे? कहाँ धरने नहीं हुए बताइए? क्या योगी जी के सामने हुए, लाठियां खाई, और फिर एक बीजेपी की नई बना दी है, किसान यूनियन के नेता बना दिए गए। जब वो किसान यूनियन के नेता है बीजेपी में खुद ही, तो फिर ये किसान जो है काहे के लिए जो लड़ रहे हैं, ये क्यों धरना दे रहे हैं? कांग्रेस का विपक्ष का एजेंडा है। अरे बाप रे, मतलब अन्नदाता के बारे में ऐसा नहीं बोलते सर, वो अन्न देते हैं। बीजेपी ने कहा अन्नदाता के। मैडम अभी प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स को लेकर, यूएसए में फार्मर्स को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, आप कहेंगे कि वो भी कांग्रेस का एजेंडा है? अभी आप नरेंद्र मोदी सर गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पे फार्मर्स के राइट के लिए वहाँ के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, जो कांग्रेस रिश्तेदार वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात की तो बता रहे थे, कह रहे थे वो भैया हमारे भैया वहाँ कर रहे, तो हम क्या करें यहाँ खाली बैठ गए, तो हमने कहा यहाँ कर दे। वो भी कह रहे हैं, हाँ हाँ वो कह रहे हैं यहाँ भाई, मोदी जी यहाँ से नहीं सुन रहे तो कनाडा से सुन ले, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा बताइए, अच्छा करेंगे मुद्दा क्या है अगला? जो वोट मांगने आएंगे लोग, आप क्या पूछेंगे उनसे? पहले मुद्दा यही कि सपा ने बहुत अच्छा, बेरोजगारी तो यही है, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है कोविड के बाद। आप ये देखिए, और कौन सा वो लगी थी? वही सीएनआरडी के प्रोटेस्ट में रासुका लगा दी थी। मतलब आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता इंसान? अरे भाई एक से जो लगा था यार, बहुत सारी चीजें। अच्छा, नहीं बैठ सकते कहीं? लड़के तुम्हारे मर गए, रोमियो लैंडो रोमियो स्टाइल। वो तो अभी बात करेंगे, अब कल पता नहीं चलेगा क्या कुछ खाने आएगा नहीं आएगा। भैया आप बात करिए, बेरोजगारी बात करिए। विकास बेरोजगारी की बात ये है कि 4.5 साल हो गए सरकार को, अब कुछ ही टाइम बचा है, अब सारी चीजें क्यों याद आ रही हैं योगी जी को? अब क्यों दिखा रहे हैं? शुरू से कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं? अगर शुरू से कह रहे होते तो जो पब्लिक है पागल थोड़ी ना है, घरों से निकल के डंडे खाएगी। 10 साल तो योगी, 50 साल योगी रहे, तो उन्होंने क्या कहा? कंडीशन तो उनकी अप्लाई करे, कंडीशन बताएंगे उन्होंने? वो चली गई, हमारी आपकी जरूरत क्या है? हमारी आपकी पेट्रोल तो हाई दाम पे, मतलब गाड़ी ज्यादा तो पेट्रोल हाई पे। अरे भैया बिल भी तो नहीं भर पाएंगे हम, उसके लिए अग्री है, ठीक है, लेकिन जो परेशानियां उनको तो खत्म कर दो। आप किसमें वोट मांगेंगे? हम लोग सर मांगेंगे जो विकास पहले हुआ था, मंदिर मस्जिद, क्या मंदिर मस्जिद ही हमारा एजेंडा रहेगा? क्या स्कूल कॉलेज और हमारे हॉस्पिटल एजेंडा नहीं है? बता दो माननीय योगी जी ने 22 मेडिकल कॉलेज खोले। सर कोविड के टाइम में किसी मेडिकल कॉलेज का क्या हाल था सबने देखा है। मेरी मदर खुद आपके चंदन हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्या हाल था मैंने 5 दिन रुक के वहाँ देखा है। बेस्ट को आप बता दीजिए, आप इससे न जोड़े। तो सर पर्याप्त, मतलब जो है वो उसके लिए नहीं था ना, पर्याप्त जो होना चाहिए संसाधन। सर दूसरी लहर में, सर दूसरी जो आपने बोला 22 मेडिकल कॉलेज नहीं खुले, कहाँ खुले? फिरोजाबाद से लेकर के आपको यहाँ तक गोरखपुर तक चालू हो गए? हाँ बिल्कुल चालू हो गए। वो काम स्टार्ट किसने किए थे? कहाँ से? अरे उनके कहने से क्या होता है? अरे मतलब क्या बात नहीं, आप मेरे सामने बात, आप मेरे एक मिनट आप मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं नहीं कर रहा, नहीं, आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं और ये भैया जाए और कहे कि नहीं सारा काम तो मैंने करके आया हूँ, पोस्टर लिखे हुए भाई, काम तो आप कर रहे हैं ना, काम तो आप कर रहे हैं, अब क्रेडिट कोई और ले जाए? नहीं सर बात यही है, आपकी स्माइल बता रही है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद हर आम आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए तक आ जाएंगे। तो जुमला था, बता तो दिया। जुमला था ऐसा कैसे? अच्छा, जुमला आप ये जुमला था, मतलब एक जुमले के साथ जुमला से खेलेंगे? अगर उन्होंने कुछ बोला तो वो जुमला था।